बिल्कुल आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट किए और दिखाया कि किस तरह से उनके घर पर यानी 36 अकबर रोड पर हमला किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि उन्हें शक है बंदरों पर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि पिछले 9 साल में यह चौथी बार हुआ है कि उनके घर पर हमला किया गया है और यह हमला उस दौरान हुआ जिस दौरान वो जयपुर गए हुए थे। नीतू, बिल्कुल, तो पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस ये भी कह रही है कि हो सकता है कि बंदरों के उत्पात की वजह से ये कांच के जो शीशे हैं वो टूटे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। देखिए, जब दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जा सकता है, तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूँ? और जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है, और इसीलिए चाहे जुनैद हो, नसीर हो, या जहाँ कहीं भी इस तरह से दलितों को, आदिवासियों को होता है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी ज़रूर है मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं, वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के जरिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। ओवैसी को आपने सुना, जिनका ये कहना कि लगातार ये हमारे पर हमले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यूपी में भी कुछ दिन पहले ओवैसी पर हमले हुए थे, और तो और जब पुलिस गई यहाँ पर जांच के लिए तो पुलिस को पहला शक बंदरों पर था। पुलिस को ऐसा लगा कि ओवैसी जी पे हमला बंदरों ने किया है, लेकिन उसके पास जांच अब तेज हो गई है कि आखिर ये पत्थरबाजी करने वाले कौन से लोग थे। नीतू, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखिए पुलिस तो अपनी तरह से जांच कर रही है, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं और ये पहली बार ऐसा नहीं है। लेकिन अब समझने वाली बात है कि जिस तरह से हमला हुआ, देर शाम का ये पूरा मामला आया है, समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ओवैसी के घर पर हमला हुआ, ओवैसी के घर पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस को बंदरों पर शक है कि हो सकता है कि बंदरों ने उत्पात मचाया हो। इसके अलावा कल ये शाम की घटना है, AIIMIM चीफ ने वीडियो शेयर कर लिखा, 9 साल में ऐसी चौथी बार ये घटना है। ट्विटर पर 2 वीडियो उन्होंने शेयर किए और इन वीडियो के जरिए भी उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से पत्थरबाजी की गई, हमला किया गया। 2014 के बाद ये चौथी घटना वो बता रहे हैं। दिल्ली जहां पर उनका घर है वहां पर ये सब कुछ हुआ, क्योंकि दिल्ली से ही पूरा मामला सामने आया। इससे पहले यूपी में भी उनके घर पर इसी तरह से हमला हुआ था। दिल्ली पुलिस ओवैसी के 36 अशोका रोड वाले घर पर जांच के लिए पहुंची है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। चारों बिल्कुल सहयोगी अजान अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजान, देखिए ओवैसी ने ये बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि हाई सिक्योरिटी जोन में आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतनी आसानी से हमला कर दिया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि 9 साल में चौथी बार ऐसा हुआ है कि उन पर अटैक किया गया है। देखिए, बिल्कुल, दिल्ली पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उसके सामने असदुद्दीन ओवैसी का 34 अशोका रोड पे घर पड़ता है, जहां पर यह पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। दरअसल कल ओवैसी अपने घर पर मौजूद नहीं थे जब ये मामला सामने आया। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें, जब वो पार्किंग जोन में पहुंचे तो वहां पर कुछ पत्थर और जो शीशे हैं खिड़की के वो टूटे हुए मिले। तब उन्होंने अपने जो घर के सदस्य जो वहां पर काम करते हैं उनसे संपर्क किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि करीब 5:30 बजे कुछ संदिग्ध लोग आए थे जिन्होंने पत्थरबाजी किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद ये जो मामला है वो अब दिल्ली पुलिस में जांच कर रही है। लेकिन जो पहला रिपोर्ट आई है जांच प्राथमिक जांच में, अभी दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि कोई सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगे हुए हैं, उसके आधार पर जांच में पाया गया कि अभी संदिग्ध कोई पाया नहीं गया है, लेकिन जांच अभी जारी है, तो तमाम खुलासे भी होने बाकी हैं। आखिर इस पे अगर हमला हुआ है, जैसे कि फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत